शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बुराई नहीं तुझमें, फिर भी तो बचपन से मेरा दोष कैसे? अनमोल नाम की भी कोई चीज होती है। कैसे डर गया साला? अब मुझमें मौत का भी खौफ नहीं रहा। वो इसी शहर में मां, वो दोस्ती की कदर नहीं करेगी। प्लीज बोर मत कर यार, अच्छे सपने की वाट मत कर यार। जिंदगी में कुछ करना धरना है कि नहीं? ए, भूल गया आज इंटरव्यू पे जाना तुझे। यार इंटरव्यू के साथ क्या बॉम्बे खरीदूंगा मैं? ठीक है बेटा सो तू, अब तो तुझे बाबूजी ही उठाएंगे। बाबूजी अरे अमर, कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पूजा करके मुड़ा हूं और तुझे प्रसाद के लिए यहां बैठा हुआ ना पाया हो? बाबूजी, आपके इस प्रसाद से ही तो मेरा दिन शुरू होता है। आइए नाश्ता लग गया है, चलो। आज तो हलवा आपने बिल्कुल माँ जैसा बनाया है। माँ हलवा माँ जैसा नहीं बनाएगी तो और किसके जैसा बनाएगी? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं समझ गई, बरसों बीत गए उन्हें गुजरे, लेकिन अब भी तुझे अपने माँ पिताजी बहुत याद आते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे अपने आप से यही शिकायत है कि मैं उन्हें बिल्कुल भूल गया हूँ। आपने और बाबूजी ने और विकी ने उनकी कमी पूरी कर दी है। क्या खुशबू आ रही बाबूजी, नाश्ता तो मैं भी करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नाम का मंत्री है और घूस खाता है ठेले वालों से। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल साहब, मैं घूस कहाँ खाता हूँ, मैं तो बस अपनी भूख मिटाता हूँ औरों की तरह। बैठिए अभी जल्दी लाइए, भूख लगी है। अमर विक्की कहाँ है? सो रहा है, मैंने उसको बहुत जगाया, उठा ही नहीं। क्या सो रहा है अभी तक? शामत आई है उसकी। विक्की, विक्की, गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे अमर ये क्या भूल गया, आज इंटरव्यू जाना, चल। अरे नाश्ता तो कर ले। अरे माँ, पेट पूजा बाद में, पहले इंटरव्यू, चल चल। अरे विकी, माँ ने हलवा बनाया है जरा, तू चलता तो चल, मैं इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता। कम ऑन कम ऑन कम ऑन फ्रेंड, आ रहा हूं मैं। अच्छा बाबूजी, अच्छा माँ, अच्छा बाय। यार इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर यार, तू मेरे को हर वक्त फंसाने की कोशिश करता है। तू फंसता है तो अपनी हरकतों की वजह से। आज तो मैंने तुझे डांट खाने से बचा लिया, थैंक यू कहना चाहिए तुझे। थैंक यू। ऐसा आदमी है यार, किसी बात का असर नहीं। शशि, तुझे मालूम है बाबूजी doesn't like it कि तू देर से सोता रहता है, और वो भी आज के दिन जब हमें इंटरव्यू पे पहुंचना है 9 बजे। इंटरव्यू पे देर से पहुंचेगा तो दरवाजे से ही बाहर निकाल देंगे तुझे, अंदर भी नहीं घुसने देंगे। They won't even bother to interview you. Have you got any sense of responsibility? Yeah. Hey? I am. ये
ये तू है? नहीं, बच्चन। कैसे लग रहा मैं? नाइस। अरे तू इस हुलिया में इंटरव्यू देने जाएगा? इंटरव्यू कैसा? क्रिकेट। अमर कम ऑन, ये छोटी सी जिंदगी, धमाल मस्ती मौज ये वो सब करना है। अच्छा ही नहीं है तू, फिर भी तू बचपन से मेरा दोस्त कैसे है? यार मैं भी ये सोचता हूँ कि एक बुराई नहीं तुझ में, फिर भी तू बचपन से मेरा दोस्त कैसे? चल चल चल, तुम्हें मार ले डांट ले कुछ भी कर ले, मुझे 1-2 हज़ार की नौकरी नहीं करनी। तो आज भी गफूर भाई के गैराज में जाके औंधे पड़ा रहना है तुझे? और नहीं तो क्या करूं, घर पे बाबूजी सोने तो नहीं देंगे, और फिर गफूर भाई के यहाँ तो एक से बढ़कर एक चिकनी चिकनी गाड़ियां भी तो आती है। चला मेरे साथ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, देखना आज मुझे नौकरी मिल के ही रहेगी। अरे ओ लकी, जीप ठीक हुई या नहीं? जीप तो हो जाएगी कपूर भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं हुई तो समझ लो लग गया ताला। अबे ओ मुन्ना, तेरा सस्पेंशन ठीक हुआ या नहीं? आओ कपूर भाई, कल को बन जाएगा। और तू बीड़ी पीता रहा तो कपूर भाई लग जाएगा गैरेज को ताला। ताले की भी जरूरत नहीं रहेगी, आग ही लग जाएगी आग गैरेज को। लो इसने फिर खटिया पकड़ ली। अरे विक्की बेटे, अगर नींद नहीं आ रही तो अपने टेप रिकॉर्डर पर लोरी लगा दो। अरे नहीं गफूर भाई, ये गाड़ियों की मरम्मत की आवाज ही मेरे लिए लोरी है। अरे अपनी जमाने क्यों बर्बाद कर रहा है? काम करके भी कौन सा आबाद हो जाऊंगा। लो अब इसकी अकल में भी लग गया ताला। अरे बेटे काम वाम तो तू कुछ करता नहीं, बस रोज आकर खटिया पे लेट जाता है, और कुछ नहीं तो खटिया का भाड़ा दे दिया कर। अरे गफूर भाई, एक दिन सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मगर किस दिन ही? उस दिन गफूर भाई, उस दिन। अरे उस दिन किस दिन ही? जिस दिन मैं ये सारे शहर को खरीद लूंगा, उस दिन आपके भी मुंह पे लग जाएगा ताला। ताला। अरे काम करो काम। काम करो काम, जल्दी काम करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो देखूंगा सब काम ठीक होना चाहिए। अरे मुन्ना ठीक है ना? हो जाएगा कपूर भाई, खाने जा रहा हूँ। आप ही मिस्टर गफूर है? मैं ही गफूर हूं। कहिए गफूर, आपके लिए क्या कर सकता है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई? मैं ठीक कर देता हूं, आइए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलते चलते झटके देती है। सेक्सी। व्हाट? योर कार। अरे मुन्ना चलो काम पे चलो, इंपोर्टर गाड़ी देखी नहीं क्या तुम लोगों ने? कम ऑन गेट बैक टू वर्क। क्या कह रही थी आप? झटके दे रही है। सब खूबसूरत चीजें झटके देती है। क्या है के मुन्ना फंडा लिया बेटे? अब भी लाया बे। कफूर कफूर भाई। मिस क्या है कि इस गाड़ी को मेरे पास एक दिन के लिए रखना होगा। क्यों? इसे जानने के लिए इसके भीतर जाना होगा, इसके इंजन को बहुत करीब से देखना होगा। क्या कर रहे हैं आप? खोलने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। यहाँ से? कहाँ से? यहाँ से। कल आएंगी ना आप? जरूर, गाड़ी रिपेयर करवानी है, आना तो पड़ेगा ही। किस वक्त आऊं? किस? इस वक्त। ये लो।
माफ कीजिएगा, क्या आप ही ने कल अपनी गाड़ी यहाँ ठीक होने के लिए दी है? जी हाँ। जिस रंगीन आदमी से आपकी मुलाकात हुई वो दरअसल मेरा दोस्त है। तो? उससे तो कहा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं ही आपको बता दूं कि उसे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया। क्या? अजी सच्चा आशिक है वो, उसे बाकायदा हर महीने किसी ना किसी से सच्चा प्यार हो जाता है। इतने बड़े गैरेज का मालिक है तो वो अपने आपको? अरे वो इस गैरेज का मालिक क्या, यहाँ का मैकेनिक भी नहीं है, वो तो फुक्कड़ है। लेकिन आप उसका दिल मत तोड़िएगा। गफूर साहब, मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी। उसका नाम गफूर भी नहीं, व्हाट, विकी, विक्रम शर्मा। ओह, मिस्टर विकी। देखो नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, कहीं से देखो जी। हाय क्या बात है, हाय क्या बात है, हाय क्या बात है, क्या गाड़ी है, क्या नंबर है, क्या बॉडी है, क्या बम्पर है। ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, कहीं से देखो जी। हाय क्या बात है, हाय क्या बात है, हाय क्या बात है। हाय क्या बात है, आगे से देखो पीछे से देखो, कहीं
गाड़ी से देखो जी हाय क्या बात है। का घर है। और पप्पू हांगकांग में। Very good। और माता जी वो भी हांगकांग में। Very good। यानी कि आप हिंदुस्तान में अकेले हैं। इतनी भी अकेली नहीं। वाह ये है टॉम और जेरी मेरे बॉडीगार्ड। हाय टॉम। हाय जेरी। टॉम बड़ा ही गुस्से वाला है, विक्की नाम से बहुत चिढ़ता है। मेरा नाम तो विक्की नहीं है, नो प्रॉब्लम। और जेरी बड़ा ही शांत। गुड बॉय, को तो वैसे ही होना चाहिए। चिढ़ता है तो बस एक ही नाम से। कौन सा? गफूर। जेरी गफूर। हेलो, मुझे लाला जी से बात करनी है। कौन हो तुम? ये मैं उन्हीं को बताऊंगा, लाला जी को फोन दो। मैं लाला जी बात कर रहा हूँ, कौन हो तुम? लाला जी मैं जगदीप बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके माल की चोरी कौन करता है। कौन चोरी करता है? लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली ये कि आप मेरी उसे हिफाजत करेंगे, और दूसरी आप मुझे उसका इलाका देंगे। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। उस हरामजादे का नाम बताओ मुझे। उसका नाम है बिरजू भाई। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। मरने मारने की कौन बात कर रहा है? अंताक्षरी खेलोगे? अंताक्षरी? हाँ अंताक्षरी। भूल जाओ कि लालजी को तुम मेरा नाम बताने वाले थे। अंताक्षरी खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। चलो शुरू करो जी। अरे भाई गाओ जी। गाओ जल्दी। कहां मर गया ये बाबू? एक छोटे से काम के लिए भेजो तो सड़ा देता है साला। अरे जब्बार उधर तो देख, तूफान चला रहा है। हाय
कैसा तूफान है ये, जो आंखों को तो ठंडक पहुंचाता है मगर बदन में आग। हाय क्या चाल है, पहले एक टांग आगे फिर दूसरी, फिर पहली टांग फिर दूसरी, पहली दूसरी, वाह। आपने मुझसे कुछ कहा? अब बड़ी समझदार हैं आप। अब आप मुझसे ये भी पूछेंगी कि मेरे घर में कोई माँ बहन है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बीवी भी है, लेकिन क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर और नाचीज को चिकन खाने का बहुत शौक है। खाऊं? खाओगे? अप्पड़ नहीं चिकन। अब ये हाथ छोड़ाओ तो जाने चमक छल्लो। अबे कौन है तू? इस खूबसूरत लड़की का हैंडसम साया। चल फोट। जब तक ये लड़की यहाँ है इसका साया कैसे हिलेगा? हाँ बराबर ना? हाँ? अबे जाता है। चल चले तेरी। अभी तेरा भेजा उड़ाए देता हूँ। नहीं जब भर लेके गए हो। हमारे पास माल है, कहीं पकड़े गए तो? बेटे फिर किसी दिन हिसाब चुकता करूंगा तेरे साथ। चल अच्छा लड़ लेते हैं आप। कमाल है, किसी जमाने में लड़कियां हीरो के प्यार करने के स्टाइल पे फिदा होती थी, आजकल मार भाड़ पे फिदा होती है। वाह। सोचने की बात सिर्फ इतनी है कि ये गुंडे भी आप ही ने तो नहीं खड़े किए थे क्या? हाँ सही है सही है, यानी कि ये गुंडे भी मेरे आदमी थे और वो जो मुक्कों की आवाज वो भी डिशुम डिशुम में अपने मुंह से कर रहा था, और ये जो ये खून है वो आपके होठों की लाली है। हा? जय राम जी की बापू, जय राम जी की। रहने भी दीजिए बाबूजी, रहने दीजिए। क्यों आप छोटी छोटी बातों पे विकी को डांटते रहते हैं? ये छोटी बात है, मेरा बेटा और अमर, मेरा सपना कुछ और था। ये जब बहुत छोटा था तो मेरी वर्दी की तरफ देखता और कहता कि मैं पुलिस बनूंगा। इसका कद बढ़ता रहा और उसके साथ साथ मेरा सपना कि कब ये इंस्पेक्टर बनेगा और मुझसे ज्यादा नाम रोशन करेगा। न जाने कब ये इतना बड़ा हो गया कि इसे मेरा सपना छोटा नजर आने लगा, और आज मैं जानता हूं कि मैं अपना ये सपना अपनी आंखों में लिए चला जाऊंगा। बिरजू भाई गाड़ी तैयार है जी, माफ कीजिए मैं भिजवाने ही वाला था जी, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी जी। हाँ मैं गाड़ी अभी भिजवाता हूँ। अब लग गया ताला। थोड़ी देर के लिए पार्टी को नहीं संभाल सकता तू, नाक साफ करने के लिए मेरा ही रुमाल चाहिए तुझे। अरे मेरी गाड़ी नहीं आई है यार, फोन रखो। आपकी गाड़ी की चाबी। मगर अभी अभी तो मैंने गफूर भाई से बात की, और अभी अभी मैं आपकी गाड़ी ले आया। यानी कि तुम इतनी देर में? नहीं नहीं इतनी तेज कोई गाड़ी नहीं चला सकता। आजमाना चाहेंगे आप? बस अब। हाँ भाई चलता अपन। अरे सुनो, थैंक यू। अरे नहीं साहब, ये 200-500 रुपए से अपना काम नहीं चलता। फिर चाहता क्या है तू? किसको बोला साहब, अपन ये सारा शहर खरीदना चाहता है। उल्टी कोबड़ी है जरा। हेलो 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 हेलो, अमर, अमर मैं विकी बोल रहा हूँ। कौन निकी? विकी विकी। हाँ विकी ही। तेरी तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही विकी। अरे अमर सुन, तीनों पट गई है, उसने मेरे को आज लंच पे बुलाई है। सी प्रिंसेस। लंच? सी प्रिंसेस किसके साथ? अरे बीनो बीनो, तू पैसे ले आना। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मेरे पास नहीं अमर, तू लेके आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा, डेफिनेटली। अरे इसके पास पैसे आए कहाँ?
लाइए लाइए, इसको कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। तो अमर साहब, आपको अपने दोस्त के बारे में क्या कहना है? अब मैं इसका नमक खा चुका हूँ, अब इसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? कैसे कहाँ से लगा? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू केखा, केखा, ये लो। हाँ, तो आप लोगों का सिर्फ अफेयर तक ही इरादा है या बात शादी तक भी पहुंच चुकी है? तो भी यार, अरे तू चुप करके पेस्ट्री खाना यार, तू कमा क्या है? मैं क्या हुआ? अरे नहीं, मीनू जी इतना अच्छा आदमी है कि मैं आपको बस क्या बताऊं, जैसे कि खुद बिल दे देगा और आपसे कहेगा कि बिल अमर ने चुकाया है। ऐसी है हमारी यारी। अब आपका क्या ख्याल है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं अब तक ये फैसला नहीं कर पाई कि आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैं चलूं? जाना जरूरी है। अपॉइंटमेंट है। मैं तो गैरेज पे ही रहता हूँ। हाँ, कभी गाड़ी खराब हो गई तो मैं उस तरफ। हाँ बीनू जी, अब तो भगवान की दया से गाड़ी खराब होती रहेगी। आमीन आमीन। कभी अमर साहब को घर लाइए ना। नहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, और सुना है आपको उन्हें लोगों के पीछे छोड़ देने का बड़ा शौक है। वैसे इसे आदत पड़ चुकी है, ये जरूर आएगा। श्योर श्योर। अच्छा मैं चलूं? शुड आई कम एंड ड्रॉप यू? नो थैंक्स, बाय बाय। क्या बात है यार। हाँ, वो सब ठीक है, ये बता तू पैसे कहाँ से लाया? पैसे? पैसे तो तू लाने वाला था ना, तेरा दिमाग खराब है? अभी तूने फोन पे तो बोला कि तू पैसे ले आएगा। फोन पे तो तूने कहा। सर आप लोग कुछ और लेंगे? जो बिल नहीं भरता उसे आप क्या खिलाते हैं? बहुत कुछ, जैसे जूते, चप्पल, मार। मगर आप लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है, आप लोगों का बिल तो भर दिया गया है। भर दिया? किसने? वो जो आप लोगों के साथ मैडम बैठी हुई थी, क्या नाम बताया? हाँ याद आया, मिसेस गफूर। ऑफ कोर्स, गफूर तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी, माय वाइफ। पर नेक्स्ट टाइम उसे बिल नहीं लेना प्लीज। ओके ओके, इट्स अ मिस्टेक। और कुछ नहीं था, ये पैक करा के ले आएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बात है, बोला था। क्यों बोला? काम करोगे मेरे साथ? मैं और आपके साथ काम क्यों? 400-500 से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। 8-10 लाख के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 8-10 लाख करना क्या होगा? बहुत मामूली सा काम है। मामूली काम के कोई 8-10 लाख नहीं देता। मामूली काम से शहर भी तो नहीं खरीदे जा सकते मेरे भाई। सही बात है। काम क्या है? शाम को 8 बजे किसी जगह पर लाला जी के आदमी सोने की डिलीवरी लेने वाले। तुम 5 मिनट पहले पहुंच जाना, लाला जी का आदमी बन। लाला ने भेजे? लाला जी ने भेजा है माल लेने के लिए। ले लो। मैं भी लाला जी का आदमी। मैं भी, और मैं लाला जी हूं। बोल, तुझे किसने भेजा है? किसके लिए काम करता है? अब यहां से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी।
मौत से बचकर आया हो, जिंदगी को देखा तो सोचे चुन लू। बोल तो मुझसे प्यार करती है? तूफान से गुजरा
साहिल पर मेरे दिल का सफीना है। किस्मत खुल गई किस्मत मुझको मिल गई तेरी मोहब्बत। बाबूजी, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? मुझे नौकरी मिल गई है। सच? शांति, शांति। आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे, अपने अमर को नौकरी मिल गई है। अच्छा, कहाँ मिली है नौकरी? कैसी है? कितनी तनख्वाह है? अरे तनख्वाह क्या पूछती हो, ये पूछो कि नौकरी अच्छी जगह तो मिली है। बाबूजी, मुझे पुलिस में नौकरी मिली है। पुलिस में? तूने मेरा सपना देखा तो आपने विकी के लिए था बाबूजी, लेकिन बेटा तो आप मुझे भी मानते हैं ना? हाँ, तू मेरा ही बेटा है। देख लिया शांति, मेरी इंसाफ और सच्चाई की सुनाई हुई कहानियां बेकार नहीं गई। क्या बात हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। अमर शादी? विकी अमर पुलिस में भर्ती हो गया है। मुबारकबाद नहीं देगा मुझे? कॉन्फ्रेंस यार। सब इंस्पेक्टर अमर कपूर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। एट इज। आज से ज्वाइन कर रहे हो? यस सर। गुड। नौजवान, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हर नए ऑफिसर से कहता हूं, ड्यूटी में वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगा देना। कानून से बड़ा कोई और नहीं होता। इस वर्दी की अपनी एक शान है, इसे कभी खोना नहीं। और ये जो तुम्हारे बाजू हैं, आज से इनमें एक नई ताकत पाओगे, कानून की बख्शी हुई ताकत। उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। यू मे ज्वाइन द ड्यूटी नाउ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडे हमें धमकी दे। जी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडे हमें धमकी दे गए, अगर हमने चाल खाली नहीं की तो हमारा सारा सामान चिल्लाता क्या? हेलो। तो मैडम आप बताइए, आप क्या कह रही थी? भगवान के लिए आप हमारे साथ जल्दी चलिए। कहाँ चलूं, धमकी दी है ना, कुछ किया तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप तब चलेंगे जब हमें घर से बेघर कर देंगे। अब अगर आवाज ऊंची की ना तो बंद कर दूंगा अंदर। हाँ तो मैडम आप बोलिए, आप क्या कह रही थी? हमारा कुत्ता गुम गया, माय लिटिल पप्पी। जरूर मिल जाएगा मैडम, जरूर मिल जाएगा। ये हमारी जान पर बनी हुई है और आप तो ये समीर का कुत्ता। आपके पास कुत्ता है? नहीं है ना, तो फिर कुत्ता पालिए, उसे गुम होने दीजिए, फिर हमारे साहब आपके साथ जाएंगे। इस कुत्ता एक्सपर्ट। शट अप मंत्री। इंस्पेक्टर साहब, हमारी पूरी बात तो सुनिए कम से कम। क्या हुआ, क्या बात है? ये फिजूली चला रहे हैं साहब। साहब कुछ घंटे हमें घर से बेघर करने की धमकी दे गए साहब, आप ही कुछ कीजिए साहब। इसके बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं? सर, ये कुत्ता ढूंढ रहे हैं। अभी कुछ हुआ ही नहीं तो एक्शन क्या ले? साहब, ये तो मुझे भी अंदर करने की धमकी दे रहे थे साहब। वो उधर धमकी दे रहे हैं साहब, ये इधर धमकी दे रहे हैं। अब आप ही बताइए साहब, हम जाए तो किधर जाए साहब? अगर आपको इतनी हमदर्दी हो रही है तो खुद क्यों नहीं चले जाते इनके साथ? जीप निकालो, हम जाते हैं। आइए आप लोग मेरे साथ। We'll be right back.
आप ही हैं वो जिन्होंने ये चौल खाली कराने के लिए अपने गुंडे भेजे थे? जी हाँ, कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने? उसके बारे में तो अभी पता चलेगा, जरा बाहर तशरीफ लाएंगे। बाहर गर्मी बहुत है, जब मैं एयर कंडीशन गाड़ी में बैठता हूं तो ज्यादातर बाहर नहीं निकलता। तब तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी जेलों में एयर कंडीशनर नहीं होते और कैदियों को दिन भर कड़ी धूप में काम करना पड़ता है। भाई फिर तो बाहर निकलकर करीब से आपको देखना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने मुझे कहीं देखा है? अक्सर अखबारों में हमारे फोटो छपते हैं और कभी कभी नाम भी छप जाता है। अगर पहचाना ना होता तो आपसे बड़ी तमीज से पेश आता। भाई इंस्पेक्टर, तुम्हारा नाम क्या होगा? अमर कपूर, यानी कि वो जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। भाई मेरी बात का मायने गलत मत निकाल, पुलिस वालों के साथ मेरा बचपन का रिश्ता है। फिलहाल मैं चला जाता हूं, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, लेकिन अगली मुलाकात में जरूर गले मिलेंगे। कानून के साथ गले लगने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते ही, मगर मेरे हाथ उससे भी लंबे हैं। वो रेपिस्ट रमन के केस के बारे में क्या हुआ? उस आदमी की तो कोर्ट में जमानत हो गई है। क्या? वो छूट गया है। बिरजू भाई ने भेजा है मुझे। इसलिए? आपको ये पैकेट देने के लिए। क्या है इसमें? आप खुद ही देख लीजिए, मालूम हो जाएगा क्या है और क्यों है। आपको ऐसी हरकत सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी, अकेले में करनी चाहिए। अजी क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसलिए कहा था कि ऐसी हरकत अकेले में करनी चाहिए, क्योंकि तब सबके सामने तुम्हें यह थप्पड़ नहीं खाना पड़ता। गेट लॉस्ट। सुनिए जी, आप तो तीन बत्ती की चाल में रहते थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चाल हमने छोड़ दी। लेकिन माफ कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप लोग यहाँ कैसे? जी वो चाल छोड़ती है। लेकिन क्यों? माधव कहाँ है? माधव होगा यही कहीं। सब क्या है, तुम जख्मी कैसे? उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, बस अलमारी मुझ पर हाथ पड़ी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। उनसे कुछ मत कहिएगा साहब, कुछ मत कहिएगा। पर क्यों नहीं? आखिर तुम्हें डर किस बात का है? कानून नाम की भी कोई चीज होती है, जंगल राज थोड़ी है यहाँ। वही है, अरे किस दुनिया में रहते हैं आप? यहाँ कोई कानून वानून नहीं है।
बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, पाठशालाएं खोल दी, तो आपको क्या लगा इस दुनिया में जंगल नहीं रहा? अरे जाने दो, भेड़िए बसते यहाँ भेड़िए, तीन दहाड़े वार करते हैं, हम गरीबों का मांस नोच कर अपनी भूख मिटाते हैं। अरे भाई नहीं चाहिए हमें आपका कानून, बहुत देख लिया, जाओ तुम जाओ जाओ, चैन से जीना नसीब नहीं है, चैन से मरने तो दो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ भाई, ये किन लोगों को तुमने गिरफ्तार किया है? सर उन्होंने गरीब चाल वालों को जो करीब 20 साल से वहां रह रहे थे बेघर किया है। मगर ये राशन कार्ड तो कुछ और कह रहे हैं। राशन कार्ड? जी हाँ, जिन लोगों को आपने बंद किया है वो 15 साल से उसी चाल में रह रहे हैं। जी ये राशन कार्ड इस बात का सबूत है। लेकिन ये झूठे हैं सर। झूठ और सच की बात कचहरी में आके करना। मिस्टर पांडे, आई एम गेटिंग लेट। ऑफिसर, सर, उन आदमियों को छोड़ दो। पर सर, हम एज आई से आप जा सकते हैं। ये सिस्टम को बदलेंगे। बोलो सफेद टोयोटा नंबर क्या है? MAR 9909 I've got him, over and out.
अरे अमर आने में जरा देर हो गई, क्या करो मेरा काम ही कुछ ऐसा है। मैन आज भी बॉम्बे की ट्रैफिक को चीर दिया मैंने, बहुत जल्दी में भाई बहुत जल्दी में हूँ, एक दिन ये सारा शहर खरीद लूंगा मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि अब तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओ। सच कह रहा है तू? सच कह रहा है, शाबाश यकीन तो कर लिया। अमर मेरी एक बात सुन यार, तो ये नौकरी छोड़ दो, मैं बहुत कमा लेता हूँ, अगर तू जिंदगी भर भी कुछ नहीं करेगा ना तो भी हम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो बेचारे मुजरिम मायूस हो जाएंगे, वो चोर पुलिस किसके साथ खेलेंगे? बेटे आजकल तुम मुजरिमों की ज्यादा और दोस्तों की कम फिक्र करते हो। देखिए आज मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। क्या? मैंने देखा कि मैं एक गाड़ी का पीछा कर रहा हूं और गाड़ी बड़ी तेजी से चली जा रही है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को पकड़ लेता हूं और जानता है मैंने क्या देखा? क्या? ये वो गाड़ी तू चला रहा है। टोटली रॉन्ग ख्वाब है भाई। क्यों? अरे गाड़ी अगर मैं चला रहा होता तो तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता, और तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता तो मुझे कैसे पहचानता? हाँ तो फिर मैं क्या करता? तू सीधे मुझसे मिलने चला आता। और अगर रास्ते में मुझे ये बड़ा मिल गया होता तो? हाथ ऊपर करूं या आगे बढ़ाऊं? तुझे अभी भी ये मजाक लग रहा है? अमर मैंने जिंदगी को सिर्फ मजाक ही समझा और कुछ नहीं। हाँ मैं भी यही समझता था कि तू मजाक कर रहा है, इस शहर को एक दिन खरीद लूंगा, मुझे क्या मालूम था कि तू अपना ईमान अपना जमीर सब कुछ बेचकर इसको खरीदना चाहता है। ईमान जमीर इस दुनिया में चने के भाव बिकता है अमर, कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा है तू? ये नया नाम अच्छा रखा तूने बाबूजी का, बाबा आदम, और यही बाबा आदम कभी तुझे अपनी गोदी में बिठा के ईमानदारी के सबक सिखाया करता था, जिसे खिड़की के बाहर खड़ा होकर मैं सुनता था। मैंने तो उस इंसान की अपने मन में एक मूरत बना ली है, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, और तू तो उनके इतने करीब था, अगर मैं एकलव्य बन गया तो तू अर्जुन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आयश आराम की जिंदगी चाहिए थी मेरे भाई, बड़ी गाड़ियां बड़े बंगलों का शौक है मुझे, और इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है। तू बता एक आदमी को, एक आम आदमी को, इस दुनिया में कुछ खरीदना हो कुछ पाना हो तो कोई और रास्ता है? तेरे कहने का मतलब है कि हर वो आदमी जो छोटे से बड़ा बना है उसने यही रास्ता चुना है? छोटी हो या बड़ी इस दुनिया में हर इंसान चोरी करता है। हर आदमी तेरी तरह सोचने लगे तो दुनिया में जुर्म का राज हो जाएगा। जुर्म का ही तो राज चल रहा है, यह तो नहीं जानता? नहीं मैं जुर्म से लड़ता हूं, अभी हारा नहीं। कह देना उनसे अमर जिस राह पर तू चल रहा है वो। मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है विकी, तू अपनी सोच। ठीक, एक साल के बाद देखना कि मैं कहां हूं और तू कहां। अगर यही तेरा इरादा है और फैसला भी यही है तो मैं दुआ करूंगा कि एक साल के बाद आज के दिन हम लोग यहीं मिले, जेल में नहीं। तू ये कैसे भूल गया कि हर घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची होती है, उसे पार कर दो तो घर की मर्यादा नष्ट हो जाती है। बाबूजी मैं खबरदार, जो फिर कभी मुझे बाबूजी कहकर बुलाया, मैं चोर और डाकुओं के लिए सिर्फ हेड कांस्टेबल किशन लाल शर्मा था और वही रहूंगा। मैं चोर डाकू हूं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन होते हैं जो बड़े होकर अपने हाथ में बंदूक थाम लेते हैं? वो जिन्हें बचपन में खेलने की बंदूक नसीब नहीं होती। जुमलों में जिंदगी को कैद करने की कोशिश मत कर,
जिंदगी इनसे बहुत बड़ी होती है। ये जुमले नहीं सच्चाई है। याद है बचपन में मैंने आपसे एक छोटी सी कार मांगी थी और वो आप मुझे खरीद कर दे भी नहीं सके। वो ख्वाहिश मेरे दिल में अधूरी रही। जैसे मैं बड़ा होता रहा वो गाड़ी मेरे जहन में बड़ी होती गई। बड़ा होकर मैं उसे हासिल करना चाहता था और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था और वही मैंने किया। तू कहना चाहता है कि मेरी ईमानदारी और मजबूरी ने तेरे अंदर के चोर को जन्म दिया, यही कहना चाहता है ना तू? तो जा अपना घर बसा और चोरी की कमाई हुई दौलत से अपने बेटे के लिए तमाम दुनिया के खिलौने खरीदना। मैं भी देखना चाहूंगा कि वो बड़ा होकर क्या बनता है। हाँ, मैं अपने बच्चे को हर सुख दूंगा। इस दौलत में कितनी ताकत है ये आप नहीं जानते बाबूजी। मैं जानता हूं, दौलत में बड़ी ताकत होती है, बड़ी। ये बेटे से मां बाप को अलग कर देती है, दोस्त से दोस्त को। और भर से जंग करता रहा, आज अपने ही खून से हार गया। तो हुजूर, मेरा नाम दिलावर लाहौरी है। बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आया हूं और कसम लाहौर की, दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं जो मेरे पास ना हो। वाह 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 लाहौरी साहब, आप तो मुझे बेगम नूरजहान की याद दिला दी। वाह वाह क्या गाती है। हम ये धंधा करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? हुजूर, जिस होटल में मैं ठहरा हूं वहां उर्दू पर्चा भी आता है और कसम लाहौर की हुजूर, फिल्म स्टार से ज्यादा फोटो तो आपकी छपती है। तो फिर माल ले आइए। नहीं हुजूर, नहीं, उसके लिए तो आपको होटल आना पड़ेगा और माल इन साहब की निगरानी में बाहर निकलेगा। ठीक है, कल हम होटल आ जाएंगे। जी बिल्कुल, अकेले में मिलेंगे। दिलावर, आदमी अकेले में पहचाना जाता है मगर भीड़ में खो जाता है। वाह वाह, कसम लाहौर की हुजूर, क्या बात कही है आपने। अच्छा हुजूर, चलता हूं अब, खुदा हाफिज। दुनिया ने मुझे माफ नहीं किया तुझे, जा मैं तुझे माफ कर देता हूं। Thank you.
पिस्तौल की नली सिर्फ तुम्हें देख रही है बिरजू। ड्रॉप योर गन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ड्रॉप योर गन्स। अबे सालों अंग्रेजी नहीं समझता क्या? बंदूकें फेंको। कौन कहता था कि बिरजू को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कौन कहता था? ये रहा सलाखों के पीछे और जिंदगी भर यही सलाखों के पीछे रहेगा। कौन कहता था बिरजू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? सर खून बह रहा है, लगता है गोली लगी। इंस्पेक्टर कपूर का है। रूम नंबर 3 सेकंड फ्लोर। थैंक यू। अमर बेटे, वर्दी से तो पुलिस वाले सभी बन जाते हैं, लेकिन तू दिल से बना है। गोली तेरे सीने पर चली और छाती मेरी चौड़ी हो गई। मन करता है कि आज ये रिटायर्ड हेड कांस्टेबल तुझे सलूट करे। नहीं बाबूजी, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तू बेटा होकर भी मेरा खून नहीं और वो मेरा बेटा नहीं, लेकिन बदकिस्मती से मेरा खून है। तबीयत है इंस्पेक्टर भाई? हमें पता चला कि कल आप पर किसने गोली चलाई, खतरे की कोई बात तो नहीं? अरे भाई इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं?
मैं वही हूं जिसे कल आप हवालात में बंद कर आए थे। आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं? इस हॉस्पिटल में मेरे काफी जान पहचान है, कई डॉक्टर्स भी मेरे दोस्त हैं। अरे भाई जब्बार, कोई टीवी वीडियो का इंतजाम करो, अमर साहब लेटे लेटे बोर हो रहे हैं। अच्छा ख्याल है भाई। भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तकल्लुफ मत कीजिएगा। ओहो बहुत देर हो गई, चलना चाहिए। क्या है ना, वो बिजनेस तो चलता ही रहना चाहिए ना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बाय बाय। अपना ख्याल रखना इंस्पेक्टर। तुम्हारा यूं बिस्तर से उठना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका इस कुर्सी पर बैठना इस शहर की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहा करते हैं आप हर नए पुलिस अफसर से? क्या सबक सिखाया करते हैं आप? दोहराइए। क्यों कहते हैं आप उससे कि फर्ज के रास्ते में वो अपनी जान की बाजी लगाते, जब आप बिरजू जैसे मुजरिमों को रिहा कर देते हैं? देखो, मुझे बिरजू को रिहा करना पड़ा, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक। तो फिर मत कहिएगा ये कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता और हर पुलिस ऑफिसर ये वर्दी शान से पहना करे, क्योंकि आपको ये वर्दी पहनने में शर्म आनी चाहिए। इंस्पेक्टर, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, मैं तुम्हें डिसमिस कर सकता हूं। और कर भी क्या सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा सर, मेरे आदर्श मेरे बाबूजी रहे हैं, वो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल किशन लाल शर्मा, जिन्होंने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। एक इंस्पेक्टर को मार के कोई फायदा नहीं बिरजू भाई। क्यों ना मारें उसे, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। हाँ वो मेरा दोस्त है। अब भी उस वर्दी वाले को तुम अपना दोस्त कहते हो तो हम तुम्हारे क्या लगे? दुश्मन भाई दुश्मन। करीब से किसी का खून होते हुए देखा है तुमने, आज देखोगे। जब्बार, उस इंस्पेक्टर पर तुम गोली चलाओगे और विक्की गाड़ी चलाएगा। अबे और तेज चला। अबे आगे से ले, आगे से। मेरा दोस्त है साले, मेरे दोस्त को मारेगा तू? हाँ मेरे दोस्त को मारेगा। बाबूजी मैं विकी बोल रहा हूं। विकी कौन? आपका बेटा विकी। इस नाम का मेरा कोई बेटा नहीं है। बाबूजी ऐसा मत कहिए। खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा तो। बाबूजी प्लीज फोन। बरसों आपके पास रहकर भी आपको समझ नहीं पाया। आपसे दूर रहकर आपको समझ पाया बाबूजी। अब आपसे और दूर नहीं रह सकता। कहीं तुम मुझसे फिर कोई खेल तो नहीं खेल रहा? नहीं बाबूजी, मेरे सारे खेल खत्म हो चुके हैं। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो आजा,
फौरन आ जा, मैं घर के बाहर खड़ा तेरा इंतजार करूंगा और तुझे बाहु में उठाकर घर के अंदर लाऊंगा। मैं आ रहा हूं बाबूजी। बाबूजी मैं आपसे बहुत बहुत मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं विकी, बहुत प्यार। मैंने सब सुन लिया। शांति जल्दी से विकी का कमरा ठीक कर दे। अमर शांति जल्दी पुलिस को फोन करो। अमर उनका पीछा कर। नहीं बाबूजी मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। मैं ठीक हूँ तू जा। नहीं बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा। अपने बाबूजी के कातिलों को छोड़ देगा बाबूजी। उन्हें भाग जाने देगा। जा पुलिस की ड्यूटी बजा। जा बेटा जा जा अमर जा। शांति देखा गोलियां सीने पर खाई है। कहा करता था ना जो पीठ दिखाए वो कायर होता है। पीठ नहीं दिखाई अब तो बस विकी का इंतजार है। क्या मैं उसे जाने से पहले देख नहीं पाऊंगा। समझ गई तू आ गया विकी। देख मैं घर के बाहर ही तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये किसने किया बाबूजी? तू कुछ नहीं करेगा। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं बाबूजी। नहीं विकी नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। बहुत भटक लिया अब तू मेरे पास रहेगा। और सुन तुम मुझे वचन दे कि तुम मेरा सपना पूरा करेगा। वचन दे। मैं वचन देता हूं। वचन देता हूं। अपनी मां का
दयाल लग कोई शक नहीं योर लॉर्डशिप कि मकतूल किशनलाल शर्मा का कत्ल इन तीनों ने किया और इन्हें इंस्पेक्टर अमर कपूर ने रंगे हाथों पकड़ा और इन तीनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किया। मैंने आप दोनों की बहस सुनी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, कोर्ट में कोई भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाए हैं जिसने इन तीनों को मोहल्ले में गोलियां चलाते और मकतूल का कत्ल करते देखा हो। और इन तीनों का कहना है कि इन्हें डरा धमका कर पुलिस स्टेशन में जुर्म कबूल करवाया गया। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। व्हाट? वरना तुम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा किया जाएगा। मुझ पर? तो इन पर क्या किया जाएगा? इनका फैसला कोर्ट करेगी। Because guilt is not proved beyond doubt, इनको रिहा किया जाता है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मातृका का। बेटा, हेड साहब तो चले गए पर अपना सपना छोड़ गए, उसे पूरा नहीं करेगा बेटा। कल का मुजरिम आज पुलिस वाला बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता बेटा? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कांस्टेबल हूं तो क्या हुआ, कमिश्नर तक पहुंचा है मेरी। मैं तेरे मकसद को पूरा करके रहूंगा तो पुलिस वाला बनेगा और जरूर बनेगा। मौत का जश्न मना रहा था, तूने मुझे नपुंसक कहा था ना? देखो 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 इसे, ये नामर्द अपनी मौत के डर से कैसा पीला पड़ गया है। इंस्पेक्टर? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं डीसीपी साहब। मेरा उस कानून से कोई वास्ता नहीं है जिसको तुमने रंडी बनाकर जुर्म की गोद में डाल रखा है। इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। ये तो नहीं चाहता कि तुझे इतनी आसानी से मारूं। तेरे साथ तो मौत का खेल खेलना चाहिए जैसा तू औरों के साथ खेलता आया है, लेकिन नहीं। अब बताओ
कौन मरने वाला है? कौन है नपुंसक? बोलो। कैसे डर गया साला? छोड़ दे से, छोड़ दे, अपना फैसला तू खुद ही कर ले। नहीं, नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये? हम इंस्पेक्टर अमर के बारे में पूछने आए हैं। वो कुछ दिनों से घर नहीं आए। नहीं आया? मैं तो खुद किसी हवलदार को आपके घर भेजने वाला था। अमर तो कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया। फिर कहाँ खो गया वो? वैशाली है, शायद आपको याद भी होगा, मैं आपके शहर में शो करने आई थी और आपने होटल ब्लू डायमंड में मेरी जान बचाई थी। मैं यहां कैसे? कुछ मछेरे आपको बीच समुद्र से उठा लाए थे,
तब से आप मेरे घर में हैं। लेकिन आपकी हालत कैसे हुई? आपके बदन पर ये गहरे घाव। डॉक्टर ने कहा है कि आपको 8-10 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। मुझे बिरजू भाई ने भेजा है। समंदर का इस तरफ का इलाका आपके हाथ में है। बिरजू भाई इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा सामान इस तरफ उतरेगा और इसके बदले में बिरजू भाई मुनाफे में परसेंटेज देंगे आपको। बरसों पहले हमने बिरजू से कहा था कि हम चोरों के साथ धंधा नहीं करते। आज भी उसे जाकर कह देना कि हमारा जवाब वही है। सोच लीजिए बाबा साहब, आज हमारा सारा शहर बिरजू भाई के सामने सर झुकाता है। उसे उस शहर ने बनाया होगा, लेकिन ये शहर हमने अपने हाथों से बसाया है। और वो इस शहर पर हक जमाने की कोशिश न करे तो अच्छा होगा। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हमारा हर फैसला आखिरी ही होता है। बिरजू भाई बुरी खबर तुरंत सुनने के आदि है। बाबा साहब इसे धमकी मत समझिएगा, लेकिन आप बिरजू भाई के खिलाफ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। जिन्हें सनी बॉय, जिन्हें उम्र घटाने का शौक होता है ना, वो हमसे दुश्मनी मोल लेते हैं। और इसे धमकी ही समझना, क्या समझे? पुलिस वाला है तू? क्यों, यहाँ क्या कर रहा है? हमें यहाँ पुलिस वाले पसंद नहीं, चल भाग यहाँ से। अबे चल बे, चल निकल। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ।
आपने बाबा के आदमी से दुश्मनी मोल लेकर अपने आप को खतरे में डाल लिया है। हर मोड़ पे खतरा ही तो है, चारों तरफ से घेर रखा है हमें खतरे ने, नपुंसक बना दिया है। मैंने मौत को इतने नजदीक से देखा है वैशाली कि अब मुझ में मौत का भी खौफ नहीं रहा। अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है बस। लड़ते हुए गुजारी है अकेले, इसे मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, अभी आपको आपकी लड़ाई में काम आएगी। तुम चार लोग उस पुलिस वाले से मार खाकर आ गए, चार लोग और ले जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूं। तो तुम ही वो कानून के रखवाले हो? रुकता हूं मैं उस कानून पे जिसके साथ बिरजू और उसके तुम जैसे साथी गेंद की तरह खेल करते हो। बिरजू? हाँ, अच्छा अच्छा, वो जिसे बिरजू ने मारकर समंदर में फेंक डाला था, तुम वो हो? जाहिर है एक दोस्त दूसरे दोस्त की पूरी खबर रखता ही होगा। हम दुश्मनों की खबर भी रखते हैं, और वैसे बिरजू हमारी दोस्ती की लिस्ट में शामिल नहीं है। और तुम किस भी लिस्ट में नहीं हो, इसलिए सनी बॉय हम तुम्हें एक राय देते हैं, बिरजू के खिलाफ जो तुम्हारे दिल में है उसे भूल जाओ। हम बिरजू की ताकत से वाकिफ हैं, मुझे मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो शायद किस्मत तुम्हारा साथ दोबारा नहीं देगी। बिरजू को जो करना था उसने कर लिया, अब जो होगा मैं करूंगा। जुर्म कर पाओगे? मुजरिम बनने का हौसला रखते हो? बिरजू से लड़ने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है, और उस ताकत के लिए बहुत सारी दौलत चाहिए। सनी बॉय, बहुत सारी दौलत बहुत जल्दी मिलती है सिर्फ जुर्म की दुनिया में। कहां से आ रहे हो, क्या ले जा रहे हो गाड़ी में, इस बैग में क्या है? कार से बाहर निकलो, इस बैग को लेकर कैबिन में आ जाओ। मुझे तुम्हारे बैग खोलने की जरूरत नहीं है। गैर कानूनी काम करते हो क्यों? तुम्हें लगता है यहां से बचकर निकल जाओगे? मेरा नाम गजेंद्र है, जेल की चक्की पिसवा दूंगा। सिर्फ एक तरीका है बचने का, यह मत समझना कि मैं घूस मांग रहा हूं। हाँ, मैं हिस्सा लेता हूं। क्यों हैरत से क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देखते हो, चल दे दे मेरा हिस्सा। जुर्म करना ही था
ये लिबास पहना होता आराम सादे। देख मुझे तेरा दोस्त फूल है। तू सही था विकी। ये दुनिया ने सिखा दिया मुझे जिंदा रहने के लिए आदर्शों की नहीं ताकत की जरूरत होती है। ये दुनिया ने सिखा दिया मुझे। अब मैं तेरी राह पे चलकर वो बनूंगा जिसकी मिसाल दुनिया देगी। सुन रहा है तू विकी? ये कौन अलग? ये क्या किराए की वर्दी पहनकर आए हो? किराए की तो तुम्हारे लिए लाया हूं, जेल की वर्दी। बहुत गुस्से में लगते हो विकी। तुम अब भी हमारे लिए काम कर सकते हो, बल्कि इस वर्दी के साथ और ज्यादा काम आओगे। इसलिए बीती बातों को भूल जाओ। बीती बातों को भूल जाओ? यह बात वही कर सकता है जिसका कोई बाप ना हो, जो बिन बाप का पैदा हुआ। मेरे एक बाबूजी थे, उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा। अब इन बाहों में उन्हीं का दम है। आइंदा हाथ मत उड़ाना वरना ये हाथ भी उड़ जाएंगे। इनमें ताकत मेरी है मगर आत्मा बाबूजी की। संभल कर रहना। फिर अकेले खड़े हो? मेरी एक बात मानोगे? जीना शुरू कर दो। कैसे? ऐसे। ये जिंदगी है दो चार दिन की, ये जिंदगी है दो चार दिन की, दो चार दिन में हर एक बात कर लो। ये जिंदगी है दो चार दिन की, दो चार दिन में हर एक बात कर लो। कल की खबर क्या कर लो।
ये जिंदगी है दो चार दिन की। मुझे वो दोनों आदमी चाहिए जिंदा। सनी बॉय, सनी बॉय, तुम्हारे दिल में जो बदले की आग है ना, उसे कभी बुझने मत देना, कभी बुझने मत देना। हमारे सब ताकत, हमारे सब दौलत, सारी जायदाद तुम्हारा है। Use it, use it। ऐ बेटा इधर आओ। हम जानता है तुम्हारी जैसे जिंदगी में अकेला जीना बहुत मुश्किल काम है। है सनी बॉय, डोंट बी वर, साथ देना, साथ। बाबा साहब,
अमर याद है विकी, छोटी हो या बड़ी, पर चोरी इस दुनिया में हर इंसान करता है। तू सही था विकी, तू सही था। जुर्म का ही राज चलता है इस दुनिया में। और देख आज तेरे रास्ते पर चलकर मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। अब बहुत जल्द हम इस पूरे शहर को खरीद लेंगे, हमारा राज होगा यहां। बस अमर बस, अगर इसके आगे तूने और कुछ कहा तो ये तेरे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। मैं पुलिस अफसर बन चुका हूं। कहते तो मजाक कर रहा था, कोई खेल खेल रहा था मेरे साथ। खेल? हाँ खेल ही तो है ये, इस शहर का, वक्त का। तेरे आदर्श तो बाबूजी थे ना, और उन्होंने मार डाला बाबूजी को, क्या कर पाया मैं? पागल हाथी की तरह दीवारों पे सर मारता रहा, ये मनहूस पुलिस की वर्दी पहनकर भी बाबूजी को इंसाफ नहीं दिला पाया, तो तूने किस उम्मीद में ये वर्दी पहन ली? ये वर्दी नहीं है अमर, ये वचन है बाबूजी को दिया हुआ। कुछ नहीं कर पाएगा तू विकी, कुछ नहीं कर पाएगा तू, ये वर्दी पहनकर किसी को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। मैं इस राह पे चल के देख चुका हूं दोस्त। मैं भी उस राह पर चल कर देख चुका हूं जिस राह पर तू चल रहा है। शायद हमारे हाथों की ही कोई लकीर है जो हमारे हाथों से शुरू होती है और हमारे बीच खींचती चली जाती है। तो बाबू जी की याद के साथ ना इंसाफी कर रहा है? इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूं विकी। इंसाफ कानून करेगा? इंसाफ तो अब वक्त ही करेगा। हाँ बोलो चमन भाई। ये रहा 20 लाख रुपया एडवांस 10%, जैसे मैंने बोला था। आप चाल खाली करवा देंगे ऐसे आपने बोला था? बिल्कुल मैंने बोला था। और इस चाल में बहुत सालों से मेरे ही लोग रहते हैं। कल ये चाल खाली हो जाएगी जैसे मैंने बोला था। यहाँ 3 बजे चाल में लफड़ा हो रहा है। तुम्हें शहर के बाहर ले जाकर छोड़ देगी। अगर फिर कभी ये चाल तो क्या, इस शहर की तरफ भी मुड़ के देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। आइए भाई, आइए अपने अपने घरों में। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। चलो आप इधर आइए। आइए भाई, हां इधर जाओ, तुम्हारा घर उधर है। आइए बाबा, आइए जल्दी जल्दी, चलिए आइए। हां चलिए भाई। आओ चलो चलो। कौन कर रहा था दंगा यहां? कौन हो तुम लोग? ये इस चाल के असली हकदार हैं। खबरदार, जो इस चाल पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की तो ये हमारे साहब का फैसला है। कौन है तुम्हारा साहब? आप
मैंने हुक्म दिया है कि इन्हें इनके घर वापस दिए जाएं। अपने कमिश्नर से कहना कि फोन करके मुझसे बात कर ले। सुना है तुम्हें राशन कार्ड देखने और दिखाने का बड़ा शौक है। ये रहे इनके राशन कार्ड। इनसे ये साबित होता है कि ये पिछले 20 बरस से यहां रह रहे हैं। ये घर तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। और ये एक मुजरिम का वादा है। भाई, आपके साहब को हम सब चाल वालों की उम्र लग जाए। साले ने क्या छलांग मारी है, सीधा पुलिस वाले से मुजरिम। तुम सब हंस रहे हो। अरे उसने 2 करोड़ का नुकसान करवा दिया है बल्ली, 2 करोड़ का। हमारे पिंड में किसी को मारो तो वो हमेशा के लिए मर जाता है। ये तो बड़ा ढीठ निकला। दोबारा मार देते हो उसको। इस नेक काम में आप ना ही शामिल हो तो अच्छा है। पिछले साल ही आप पर कत्ल का मुकदमा चल चुका है। तो फिर ये काम तुम्हारी निगरानी में होगा डीसीपी। शेट्टी और सुलेमान तुम्हारे साथ रहेंगे। नौ बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया वो। वो आएगा। अकेला है, जाओ। वेलकम सर। हमें सिर्फ उस आदमी का सर चाहिए। गया बेटे, खाना लगा देती हूं। क्या बात है विकी? अमर याद आ रहा है। मर गया अमर। विकी? मर गया वो हमारे लिए मां। ये क्या कह रहा है तू? वो इसी शहर में है मां। पर उस रात तो तुमने मुझे झूठ कहा था। झूठ कहा था कि वो मुझे मिलने नहीं आया। सच तो यह है कि हम मिले थे उस रात। फर्क सिर्फ इतना था
कि जिस लक्ष्मण रेखा का जिक्र बाबूजी किया करते थे वो इस बार अमर पार कर गया था। वो एक मुजरिम बन गया है मां, एक कातिल। मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं? मुझे अमर के पास ले चल की, मैं उसे समझाऊंगी, उसके जमीर को आवाज दूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। नहीं मां, मैं उसके घर नहीं चल सकता, आज ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसके घर नहीं चल सकता, पर मुझे उसके घर तक तो लेके चल सकता है। मां, कैसी है मां? एक बेटा खोकर मां जैसी हो सकती है? ये क्या हो गया अमर, तू तो ऐसा नहीं था। मां, मैं तेरा दर्द जानता हूं। फिर मां से मिलने क्यों नहीं आया? चल, आज मैं तुझे लेने आई हूं। नहीं मां, मैं नहीं चल सकता, आज नहीं। वो घर सूना है तेरे बिना। मैं एक दिन उस घर को फिर खुशियों से भर दूंगा मां। तो जो रास्ता तूने चुना है वो तुझे छोड़ना होगा। जो पीठ दिखा दे वो कायर है। जानता है ना किसके अल्फाज दोहरा रहा है? तुझे क्या हो गया है अमर, तुझे तो कानून की किताब जबानी याद हुआ करती थी। उसे मैं भूल चुका हूं, लेकिन इतना जान गया हूं कि दुनिया का कानून कलम की स्याही से नहीं बाजुओं की ताकत से लिखा जाता है, और अब मैं खून बहाऊंगा। तू मेरा अमर नहीं है, कोई और है। मां, गलत कहा था मुझसे विकी ने, सच तो ये है कि मेरा अमर शहर वापस आया ही नहीं। ये कहां आ गई मैं? बेटी, तुझे आकर मेरा अमर मिल जाए तो उसे कहना उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है, उसे घर ले आना, मैं इंतजार करूंगी। माजी, उस आदमी का दोस्त और उस मां का बेटा सचमुच कहीं गुम हो गया है वैशाली। क्या बात है इंस्पेक्टर? बात यह है कि आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? किस जुर्म में करूं? अबे ये क्या कर रहे हो तुम? बिना हेडलाइट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। क्या बात है? कमान कमान।
पुलिस स्टेशन में अक्सर मुजरिमों की मौत हो जाती है, कोई नहीं पूछता। अगर 5 मिनट में तुम लोगों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो तुम्हारी भी लाशें जाएंगी यहां से। बाबूजी को किसने मारा? बाबूजी को किसने मारा? किसने मारा? खेलो खेलो तेरे खोपड़ी के साथ फुटबॉल। हमने हमने तुम्हारे बाबूजी को मारा, सबने मिलकर मारा। किसने? सबने मिलकर मारा। इस पर लिखा है कि तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो, साइन इट। हवलदार लाइट कैसे गई? क्या कहा करते हो तुम हर नए पुलिस ऑफिसर से? क्या दोहराते हो कि आज से तुम अपने बाजुओं में एक नई ताकत पाओगे, कानून की ताकत। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, यही कहा था ना तुमने मुझसे? Thank you.
आज मेरे घर आकर अपनी कसम कैसे तोड़ ली? मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूं। क्यों, मैंने क्या किया? तू नहीं जानता विकी, तू बचपन से हर काम उल्टा करता है। अब तो तू पुलिस वाला हो गया है, तुझे जानना चाहिए कि मुजरिमों को उल्टा नहीं सीधा लटकाया जाता है। खून किया तूने अमर, तीन आदमियों का खून किया है और एक डीसीपी की बाहें तोड़ी है। एहसान किया है उस पे, उस हरामजादे की तो गर्दन तोड़नी चाहिए थी। तू इतना बदल जाएगा, मैं नहीं जानता था। तूने अभी मुझे जाना ही कहा है? एक फोन करने का हक तो है मुझे, इतना कानून मुझे अब भी याद है। हेलो, मैं अमर बोल रहा हूं, आपका एक पुलिस वाला यहां आया है, तो बात करो। चलो चलो सर। सर मेरी बात तो सर, लेकिन मेरी तूने ठीक कहा अमर, मैं वाकई तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुका हूं। जरा मेरी कमीज निकाल देना। ये लीजिए। ये क्या मजाक है? हटाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। क्यों, कभी इसे पहनने में बड़ा फख्र महसूस करते थे? हाँ, लेकिन क्या वो तुम न थी जिसने मुझे हथियार देकर कहा था कि लो मिटा लो अपनी भड़ास को? हाँ, मैंने वो हत्या तुम्हें जुर्म से लड़ने के लिए दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतना खून बहाओगे कि उसमें हर रिश्ता बह जाएगा, दोस्त का रिश्ता, माँ का रिश्ता। जुर्म से लड़ते लड़ते तुम इतने बड़े मुजरिम बन जाओगे कि तुम्हें माजी पर भी तरस नहीं आएगा। तुमने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों बन गया? ये जो वर्दी है ना, ये सब इसी का खेल है। काट दो इसके बाजू, क्योंकि जो इसे पहनते हैं उनकी बाहें भी काट दी जाती हैं। मैं इसे पहन के देख चुका हूं, मैं खून नहीं बहा रहा हूं, मैं बलि चढ़ा रहा हूं, और यही बाबूजी को मेरी श्रद्धांजलि है और गुरु दक्षिणा भी। झूठ, ये तुम्हारी अपनी जंग है। जो गाली उन्होंने तुम्हें दी, तुम उन्हें उसका जवाब दे रहे हो। गाली अगर मुझे दी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उन्होंने बाबूजी के उसूलों को, उनकी सच्चाई को, जिसे मैं अपना चुका था, नपुंसक कहा है, उनसे बदला लेना मेरा फर्ज है। इस फर्ज को अगर तुम खून बहाना कहती हो तो हाँ, मैं और खून बहाऊंगा। तो फिर ठीक है अमर, मैं जा रही हूं। वैशाली, अगर तुम चली गई तो मेरा आखिरी सपना भी मर जाएगा। सपना? कौन सा सपना? जेल का, जुदाई का? नहीं अमर, और कुछ न कहो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। पर क्या करूं, तुमसे प्यार करती हूं ना, बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे। Thank you.
मैं अमर को छोड़ आई हूं, उसे मैं अपने साथ आपके पास नहीं ला सकी, छोड़ तो आई हूं लेकिन लेकिन उससे रिश्ता नहीं तोड़ पाई। क्या मैं आपके पास रहकर अमर के आने का इंतजार कर सकती हूँ? आओ बेटी, ये अमर का ही घर है। ये उन दोनों की मिली भगत है भाई। एक उन तीनों को हवालात में ले गया और दूसरे ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अब तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो दोनों हमारे सामने घुटने टेक दें।
अंताक्षरी खेलेगा जा। गा गया। आज तो गा गा कर अपना हर जुर्म कबूल करेगा। बहुत गाने का शौक है ना। मुजरिम मुझे दे दे। वो तेरा मुजरिम नहीं है अमर, उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। उसे सजा कोई बेजान रस्सी का टुकड़ा नहीं, मेरे ये हाथ देंगे। हट जा तू, वरना ये हाथ आज तुझ पर भी उठ जाएंगे। यही बाकी रह गया था, अपने दोस्त पर हाथ उठाना। मेरे सर पे इस वक्त दुश्मनी सवार है, वो दोस्ती की कदर नहीं करेगी। अच्छा विकी। नहीं अमर, नहीं अमर, नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जानूंगा अमर। अमर अमर क्या हुआ अमर? तुझे तो खुश होना चाहिए विकी, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। नशा मत बोल, मुझे मारने आया था हरामजादे। देख मैं जिंदा हूं और कल यहां से छूटकर चला भी जाऊंगा। यार क्या विकी, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो उसे, हमेशा के लिए मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया है। मैंने कहा था ना तुझसे, ये शहर मेरा है और यहां मेरा राज चलता है। कोई नहीं मार सकता मुझे इस शहर में, कोई नहीं मार सकता। छोड़ो मुझे। बास्टर्ड।
अमर, अमर तू जीत गया, अमर, अमर, अमर देख तू जीत गया, अमर। नहीं, हमारी दोस्ती जीती है विकी। हाँ, अमर। विकी, तू लोगों को हमारी दोस्ती की कहानी सुनाएगा ना? अमर। विकी वो दास्तान एक की नहीं, दो पुलिस वालों की है। अमर, तेरा ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था अमर। अमर, अमर, अमर तू चला गया तो मुझे जगाएगा कौन? अमर, अमर, तू जान चुका है विकी, एक सूरज निकल रहा है, सुबह हो गई।